एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत अहंकारी और लालची था, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करता था। सुनने में आया कि नगर में एक साधु आए हैं जो हर किसी की मुराद को पूरा करते हैं, तो राजा उनसे मिलने चल पड़ा और अपने मन की इच्छा बताई। साधु ने सोचा, इस राजा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और कुछ वक्त के बाद राजा जिस चीज़ को हाथ लगाता वह सोने में बदल जाती। राजा दिन प्रतिदिन बहुत अमीर होता गया और उसकी रानी को ये देखकर आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। एक दिन राजा ने अपनी बेटी को छुआ तो वह भी सोने की हो गई। अब राजा को अफसोस होने लगा, रिश्ते उसे ज़्यादा अजीज़ लगने लगे। रानी को एक उपाय सूझा। रानी ने कहा कि क्यों ना फिर से उसी साधु से जाकर मिला जाए। उसने राजा से कहा, जाओ और साधु से क्षमा याचना करो। साधु तो अंतर्यामी था, उसे सब कुछ पहले से ही पता लग गया और उसे राजा पर बहुत तरस आया। उसने राजा को ये वरदान दिया कि जो वरदान पहले दिया था अब उसका असर खत्म हो जाएगा और सब रिश्ते पहले जैसे ही बन जाएंगे। अब राजा खुशी खुशी अपने परिवार सहित फिर से राज्य करने लगा।